नींदों को भी कुर्बान किया और जितनी मेहनत कर सकता था 16 से 18 घंटे जितने लग सके कोशिश की कि अपने आप को इस काबिल बनाऊँ कि मुल्क व कौम का फ़ख्र बन सकूँ और मुल्क व कौम की खिदमत कर सकूँ। फिफ्थ तक मैंने पहले बेसिस जो थी वो सारी कवर की, उसके बाद मैंने हिफ्स किया माशाल्लाह 1.5 साल के अंदर, और उसके बाद फिर मैंने दोबारा स्टार्ट किया 8 से। थोड़ी सी स्टार्ट में जो है वो मुश्किल आई पेश, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि बेसिक्स में स्ट्रांग थी तो रिकवर हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी मुश्किल हो जाता था स्टार्ट में गुजारा करना एंड ऑल दैट यू नो पाकिस्तान की जो इकॉनमी के जो हालात हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाबा आपने पूरी कोशिश की कि जिस तरह भी फाका करें जो मर्ज़ी करें, पूरी कोशिश थी कि अपने बच्चों को तालीम आला तालीम दिलाएं और उनको इस काबिल बनाएं कि कल को वो उनको भी सपोर्ट करें मुल्क को कौम की खिदमत की। आइंदा आगे इंशाल्लाह स्पेशलाइजेशन का इरादा है, मेडिसिन के अंदर ही इरादा है, और इरादा ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर अल्लाह ताला ने, हुकूमत पाकिस्तान ने और इस मुल्क ने इजाज़त दी तो इस मुल्क में ही करूँगा स्पेशलाइजेशन, लेकिन अगर कुछ सरकमस्टांसिस जैसे प्रिवेल कर रहे हैं अगर ऐसे रहे तो खुदा न खास्ता मुझे बाहर भी जाना पड़ सकता है।